समय हो गया है 7:15, रीडिंग है 41611 एंड वेलकम बैक टू द चैनल मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एचएल राजपूत। आज हम फिर आ गए हैं रैपिड और राइड पे और काफ़ी लेट आए हैं। आज तो 7 राइड पूरी करके इंसेंटिव पूरा करना है, क्योंकि कल क्या हुआ कि हमारी जो 7th राइड थी, लास्ट राइड, वो हम नहीं ली हमने, क्योंकि बैटरी कम थी। तो आज पावर बैंक भी रखा है और हमारा जो 45 रुपीज़ का इंसेंटिव था वो मर गया। तो कल हमने 3 घंटे में 250 रुपये कमाए थे, आज देखते हैं। और इंसेंटिव होता तो 300+ चले जाता। तो करते हैं रैपिडो को स्टार्ट और देखते हैं क्या होता है। नया गांव हिमनगर का गेट है, गोल मार्केट से भैया को उठाया था, इन ड्राइव से मैंने ये राइड ली थी। तो जी, एक मैडम को उठाया है खुड्डा लोरा के पुल से। नया गाँव में मैं अंदर खड़ा था कॉलोनी वाले मोड़ पर और कोई राइड मिल नहीं रही थी। फिर इन ड्राइव में मेरे को एक और राइड मिल गई और वहाँ से उठा के उनको ले आया हूँ मैं ये कुमाऊँ कॉलोनी की तरफ, गेट नंबर 2 के अंदर कुमाऊँ कॉलोनी चर्च रोड पे। 25 रुपये लिए हैं उनसे हमने। तो जी, नया गांव के अंदर से कुमाऊँ कॉलोनी से अब मैं आ गया हूँ। यही पीजीआई वाला रोड है, ये न्यू चंडीगढ़ पीजीआई वाला, खुड्डा लोरा वाला। अब सोच रहा हूँ यहाँ से शायद कुछ राइड मिल जाए, क्योंकि 2 घंटे हो गए, 9 बजने को आ गए, अभी तक पहली राइड में 30 रुपये मिले। गोल मार्केट है पीजीआई की, वहाँ से नया गांव जो कॉलोनी वाला रोड है वहाँ तक के 30 रुपये। और उसके बाद फिर एक राइड मिली हमें जो मैं खुड्डा लोरा के पुल से कुमाऊँ कॉलोनी छोड़ने गया मैडम को, 25 रुपये, 55 रुपये ही हुए हैं। रैपिडो में कोई राइड आई नहीं है, इन ड्राइव में जो मैं कोटेशन दे रहा हूँ उनमें लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अब यहाँ आया हूँ, मन तो था कि भाई, एक मन हो रहा था घर चले जाऊँ, क्या यार छोड़ क्या करना है 10-20 रुपये के चक्कर में। फिर मैंने कहा नहीं यार, जब करना है तो फिर करके ही पता लगेगा। तो देखते हैं, 11-12 बजे तक करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा बनाए। कल बहुत अच्छा जा रहा था पर आज तो बिल्कुल ही ठप हो रखा है। तो जी, टाइम बज गए हैं 10 और अब जाके तीसरी राइड हमने कंप्लीट की है। सो राइट नाउ आई एम इन 39B, तो 39 सेक्टर में आ गया हूँ मैं। काफ़ी देर से राइड नहीं मिल रही थी, वहाँ पे मैं खड़ा खड़ा पागल हो गया। फिर बाद में जाके एक यूनिवर्सिटी की राइड दिखी, यूनिवर्सिटी से एक भैया थे उनको उठाना था और सीधा 39 लेके आना था। 50 रुपये मिले हैं इस राइड के और अब 10 बज गए हैं। तो अब देखते हैं क्या करना है आगे, लेट्स सी। घर जाएं या एक दो राइड और करें, क्योंकि आज कुछ इतना मज़ेदार था नहीं। या चेक करता हूँ रैपिडो में अगर कुछ आता है तो, पर आज का कुछ इतना मज़ेदार नहीं रहा, बेकार राज। तो जी, 10:30 हो गए हैं और हमने अभी तक सिर्फ 3 ही राइड करी है। अभी हम हैं सेक्टर 40 में, सिर्फ अभी तक 3 ही राइड करी है 105 रुपये की, आज तो बेकार गया है। समय हो गया है 10:48। तो अभी मैं आ गया हूँ 45 सेक्टर की तरफ, ये है 45 और 33 का चौक। तो हुआ ये कि वहाँ पर तो राइड हमें मिल नहीं रही थी, मैं काफ़ी देर से खड़ा था। तो फिर रैपिडो बजा और रैपिडो बजा वहीं 40 सेक्टर से। तो 40 की मार्केट में ही मैं खड़ा हुआ था और वहीं पर फिर मैंने एक भैया को पिकअप किया और 50 रुपये उस राइड के हमें मिले हैं, मतलब 50 रुपये मिले हैं। रैपिडो ने काट कूट के पता नहीं कितने दिए होंगे और उनको यहाँ छोड़ना था 45 में। तो 45-33 के चौक में खड़ा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है, घर भी जाना है। अब यहाँ से यह खाली जाना पड़ेगा या कोई राइड मिल जाए थोड़ी आगे तक तो बढ़िया है। तो देखो जी, ऐसे होता है, अभी हमें एक और राइड आ गई है यहाँ से। जैसी चंडीगढ़ के अंदर आओ राइड ही राइड आती है। तो अब यहाँ से मैं 46 जा रहा हूँ, 46 से विकास नगर हल्लो माजरा जाना है। तो अब हल्लो माजरा छोड़ के आना पड़ेगा। समय हो गया है 11:14 और मैं आ गया हूँ हल्लो माजरा विकास नगर के अंदर। और अब यहाँ से नया गाँव बहुत उल्टा पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा उल्टा। आज तो दिन ही बेकार गया मेरा सारा राइड का। तो जी, रात के 11:30 हो गए हैं और ये माजरा की साइड, मतलब आगे पंचकुला लग जाएगा, इधर की साइड में पेट्रोल डलवाया है। और अब सोच रहा हूँ कि यहाँ से राइड मिल जाए, नहीं तो खाली जाना पड़ेगा आज मुझे। तो जी, समय हो गया 12:00 और हम फिर से आ गए नया गाँव, मतलब घूम घुमाते हम आ ही गए, क्योंकि 26 से हमें राइड मिल गई थी और फिर हमने 26 से एक भाई को उठाया 24/7 के आगे से, जहाँ पे क्लब वगैरह है सारे, और उन्होंने यहीं आना था नया गाँव। तो 65 रुपये राइड के मिल गए हैं। लेकिन ये देखो कि 12 बज गए हैं, आज 7 बजे से लगा था, बने कुछ नहीं है और नुकसान कितना हुआ, 1-1 रुपये का पता तब लगता है जब ऐसी मेहनत से कमाया जाता है। तो ऐसी मेहनत कम से कमाएंगे तो 1-1 रुपये का पता लगेगा कि हाँ भी कैसे कर रहे हैं।
तो ना एक एक रुपए का पता ऐसे लगता है जैसे हम पैसे उड़ाते हैं ना एकदम पानी की तरह, तो जब जब ऐसी मेहनत करते हैं तब पता लगता है। तो अभी क्या हुआ कि ये जो मेरा हेलमेट है ये 26 में मुझसे ऐसे नीचे गिरा और इसके जो आगे का मीर गिलास था वो टूट गया। अब ये गिलास है वो मोटे वाला मैं गिलास लगाता हूँ, तो ये गिलास लगेगा 150 रुपये का। अब आप ये सोचो कि 4-5 घंटे में इतनी भाग दौड़ करने के बाद कम से कम 150-200 रुपये बचा होगा और वो अब एक गिलास डालने में चला जाएगा। तो एक एक रुपए की मेहनत का यहाँ से पता लगता है जी। तो इसलिए एक एक रुपए की मेहनत करोगे तो फिर ऐसे पता लगेगा कि पैसे खर्चते समय कि नहीं यार कितनी मेहनत से कमाए थे। बाकी डिटेल बता देंगे आपको ऐप में कि कितना कहाँ से कितना कमाया, कमाया तो क्या है, शीशा टूट गया तो वो तो हो ही गया। चलो ये तो एक्सपीरियंस के लिए कर रहा था ताकि इसके ऊपर व्लॉग बना सकूं, तो वो था। अब चलते हैं घर, सोते हैं, खाना भी खाना है, खाना नहीं खाया तो खाना खा के सोते हैं और फिर सुबह ऑफिस जाना है। और फिर देखता हूँ मोटो व्लॉग भी करूँगा इसके ऊपर, पूरा व्लॉग बनाऊँगा प्रॉपर। तो दोस्तों रैपिडो के साथ साथ हमने इस बार इन ड्राइव भी किया, लेकिन इन ड्राइव में क्या होता है कि कोटेशन आती है, जैसे किसी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है तो वो पहले ही बता देगा मैं इतने रुपए दूंगा। तो आप उसके साथ कर सकते हो बार्गेनिंग, मतलब आप उसके साथ ये कर सकते हो कि नहीं मैं इतने में नहीं इतने में लेके जाऊँगा, पर लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं वो जल्दी से उठा लेते हैं, तो आपको भी जल्दी जल्दी उठानी पड़ेगी तभी राइड मिलेगी। तो ऐसे ही हुआ, तो मैंने जल्दी जल्दी जो राइड उठाई उसमें पहले 30 रुपये की राइड थी, 30 रुपये की राइड में 3 रुपये उन्होंने चार्जेस काट लिए इन ड्राइव ने, फिर 25 रुपये की राइड में 2.5 रुपये काट लिए, उसके बाद 50 रुपये की राइड में 5 रुपये काट लिए और 65 रुपये की राइड में अप्रोक्स 7 रुपये काट लिए। तो 10% कमीशन इन ड्राइव भी लेता है। तो दोस्तों 291 रुपये कमाए और 251 रुपये हाथ आए, 55 किलोमीटर एक्टिवा चली है 35 की एवरेज से, 96 रुपये पेट्रोल है तो 150 रुपये का तो पेट्रोल लग गया, तो बचा क्या सिर्फ 101 रुपये। तो दोस्तों 5 घंटे की मेहनत के बाद सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये हाथ में बचा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक्टिवा है और एक्टिवा की एवरेज है कम, बाइक वगैरह की एवरेज होती है ज़्यादा, स्प्लेंडर वगैरह प्लेटिना की, तो उसी में अगर आप करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा। बट अगर आपके पास एक्टिवा है तो ये नहीं है कि बाइक खरीदो, एक्टिवा में कर सकते हो जहाँ पे पूरा दिन, क्योंकि ये तो मैंने शाम को करा और पीक टाइम नहीं है ये याद रखो। पीक टाइम जैसे मैंने बताया सुबह का होता है और शाम का होता है, जब छुट्टी का टाइम होता है और जब लोग ऑफिस या स्कूल जाते हैं वो पीक टाइम होते हैं, तो ये रात का टाइम है, तो यहाँ पर वैसे भी राइडें कम मिलती है और मुझे तो बहुत मुश्किल से राइडें मिल रही थी, तो ये भी दिक्कत थी, तो इसलिए कम बने हैं। लेकिन अगर आप पूरा दिन करोगे तो अगर किसी बाइक वाले का 1000 रुपये पूरे दिन में बन रहा है तो आपका 700 या 800 बनेगा, 200-300 रुपये का फर्क आएगा। तो एक्टिवा में भी आप कर सकते हो, बाकी कभी ज़्यादा भी बनेगा कभी कम भी बनेगा। तो यही है आज का सार। सो थैंक यू सो मच।